बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम टू द फोर्थ सेशन ऑफ गिट एंड गिट हब सीरीज। हमारा आज का सेशन गिट ब्रांचिंग की कॉन्सेप्ट्स पे है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम कि एक ब्रांच क्या होता है गिट में, और ब्रांचिंग हम क्यों करते हैं, ब्रांच कैसे क्रिएट करना है, और मुख्तलिफ ब्रांचेस के दरमियान हमने चेकआउट कैसे करना है। बाई दिस वी मीन के एक ब्रांच से हमने दूसरे ब्रांच पे शिफ्ट कैसे होना है, एंड डिफरेंट ब्रांचेस को आपस में मर्ज कैसे करना है, मीन्स के उनको आपस में कंबाइन कैसे करना है। सो कमिंग टूवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन के व्हाट इज अ ब्रांच, गिट हब में हमारे पास एक ब्रांच क्या होता है, सही है। सो ब्रांच हमारे पास एक्चुअली आपके कोड का एक डिफरेंट एक अलग स्नैपशॉट होता है। बाय स्नैपशॉट वी मीन कि आपकी कोड की एक कॉपी होती है। लेट सपोज आपके पास दो ब्रांचेस हैं, आपका जो प्रोजेक्ट है उसके पास उसमें आपके पास दो ब्रांचेस हैं, एक आपके पास जो है ना मास्टर है और दूसरा आपके पास लेट सपोज डेव ब्रांच है या फीचर ब्रांच है। सो लाइक दीज थ्री ब्रांचेस आर लाइक डिफरेंट थ्री डिफरेंट कॉपीज ऑफ यूर कोड जो आपके पास सेपरेटली सेव्ड होगी, सही है। आप किसी भी कॉपी या किसी भी स्नैपशॉट पे आप मूव कर सकते हैं। सो नाउ थोड़ी बहुत इस पे डिस्कशन होगी कि ब्रांच हमारे पास क्या होता है। सो द समरी इज के ब्रांच आपके पास आपके कोड का एक अलग डिफरेंट स्नैपशॉट होता है, मतलब आपके कोड की एक कॉपी मौजूद होती है आपके पास। लेट्स सपोज आपके पास 10 आपने 10 ब्रांचेस क्रिएट किए हुए हैं, सो दैट वे यू हैव 10 डिफरेंट कॉपीज ऑफ योर कोड। वो डिफरेंट भी हो सकते हैं अगर आपने कुछ चेंज किए हैं डिफरेंट ब्रांचेस में, सो दैट कैन बी 10 डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ योर 10 डिफरेंट कॉपीज ऑफ योर कोड। नाउ अभी हम आते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम ब्रांच क्यों बनाते हैं और ब्रांच के बिहाइंड हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या है। अब जब भी एक गिटहब रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं, गिट या गिटहब रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं, सो बाय डिफॉल्ट आपके पास जो ब्रांच आती है वो हमारे पास होती है मास्टर ब्रांच, सही है। आपके पास वो मास्टर ब्रांच होती है, सो दिस इज बाय डिफॉल्ट, सही। अब आपके पास जो मास्टर ब्रांच है उससे हम मल्टीपल डिफरेंट ब्रांचेस क्रिएट कर सकते हैं बाय डिफरेंट ब्रांच। एक हमारे पास गलत सपोज हमारे पास ये मास्टर ब्रांच है, इससे मैं एक ब्रांच क्रिएट करता हूँ फीचर वन के नाम से, सही है। सो फीचर वन के नाम से मैंने यहाँ पर इस पोजिशन पे एक ब्रांच क्रिएट किया है, सही। सो ये मास्टर जो है हमारे पास है, ये एक हमारे कोड की एक अलग कॉपी यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, इस अ डिफरेंट कॉपी ऑफ आवर कोड, एंड फीचर वन जो है ये हमारे पास एक डिफरेंट कॉपी ऑफ आवर कोड है, सही है। सो हम क्या करते हैं, लेट सपोज हमारे पास फीचर वन ब्रांच हमने क्रिएट की है, इसमें हमने टू डिफरेंट कॉमिट्स कर दिए हैं, सही है। लेट सपोज दिस इज कॉमिट वन एंड दिस इज कॉमिट टू, सही है। कॉमिट्स हमारे पास क्या होते हैं वो हम ऑलरेडी लास्ट सेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं। लेट सपोज आप कुछ कोड लिखते हैं उसको परमानेंटली सेव करते हैं, सो दिस इज वॉट वी कॉल्ड कॉमिट। सो कॉमिटिंग हमारे पास एक प्रोसेस है। सो लेट सपोज दीज आर लाइक द कॉमिट्स ऑफ फीचर वन ब्रांच, सही। सो फीचर वन ब्रांच में हमने ये कॉमिट्स किए थे, एंड देन लेट सपोज हमारे पास ये मास्टर ब्रांच था उसमें हमने ये कॉमिट किया था, सही है। सो यहाँ पर हमने जो ब्रांच क्रिएट किया था उसमें ये कॉमेंट नहीं था हमारे पास, ये कोड उसमें नहीं होगा, क्योंकि जिस टाइम पर हमने यहां से इसकी कॉपी ली थी उस टाइम हमने ये कॉमेंट इसमें क्रिएट नहीं किया था। और हमारे पास जो मास्टर का ब्रांच है उसमें जस्ट हमारे पास ये कॉमेंट होगा और ये कॉमेंट होगा, सही है। जबकि हमारे पास जो फीचर वन का ब्रांच होगा उसमें ये कॉमेंट भी होगा क्योंकि यहां से हमने ब्रांच क्रिएट की थी, एंड दिस कमिट वुड बी पार्ट ऑफ दिस फीचर वन ब्रांच, सही है। सो अगर आप लोग यहाँ पर देख लें, अब ये हमारे पास ये मास्टर ब्रांच में ये दो कमेंट्स मौजूद हैं एंड फीचर वन ब्रांच में हमारे पास ये तीन कमेंट्स मौजूद हैं, सही है। सो ये दोनों जो कोड्स हैं हमारे पास ये टू डिफरेंट कॉपीज ऑफ आवर कोड है। इसमें अलग कोड मौजूद है, मतलब कुछ कोड हमारे पास मास्टर ब्रांच से आया है, इसमें कुछ हमने इसमें और कोड लिखा हुआ है, सही है। सो इसमें हमारे पास डिफरेंट कोड है और यहाँ पर हमारे पास कुछ थोड़ा सा डिफरेंट कोड है, सही है। सो ये दोनों कॉपीज हमारे पास अलग अलग डिफरेंट कॉपीज मौजूद है, सही है। सो मैं मास्टर से फीचर वन ब्रांच में शिफ्ट हो सकता हूँ, सही है। सो मैं जब यहाँ से शिफ्ट होऊंगा तो मुझे ये जो कोड मैंने ऐड किया हुआ है, सो दिस कोड वुड बी एक्सेसिबल टू मी, ये कोड मेरे लिए एक्सेसिबल, उसको मैं देख सकता हूँ, सही है। जबकि मैं अगर इस फीचर वन ब्रांच से वापस मास्टर पे आता हूँ, सो मास्टर में ये चेंजेस मैंने नहीं किए, सो ये चेंजेस मास्टर में अवेलेबल नहीं होंगे, सही है। अब हम लेट सपोज हमारे पास मास्टर ब्रांच है तो उससे फीचर वन बनाने की क्या जरूरत है, सही है। अब हम इस कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। सो जब हम न्यू ब्रांच क्रिएट करते हैं उसका मकसद हमारे पास ये होता है कि लेट सपोज हमारे पास जो मोस्टली मास्टर ब्रांच होता है वो स्टेबल, हमारा जो जितना भी स्टेबल कोड होता है ना, जो वर्किंग कोड होता है वो हमारे पास मास्टर ब्रांच पे होता है, सही है।
सो यहाँ पर मेरे पास वर्किंग कोड मौजूद है, सही है। सो अगर इसमें मैं चेंजेस करना स्टार्ट कर दूँ, सो इस कोड, ये कोड में मैं कोई एरर, कोई बग जो है ना वो एड कर सकता हूँ गलती से, सही है। मतलब ये कोड हमारे पास ब्रेक हो सकता है, सही है। सो इस कोड को ब्रेक होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसकी एक अलग कॉपी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर इसकी फीचर वन के नाम से हमने एक अलग कॉपी क्रिएट की है। सो उसको हमने यहाँ पर उसमें हमने चेंजेस किए हैं। जब हमने चेंजेस यहाँ पर टेस्ट करके सारा कुछ जब फाइनलाइज हो गया है ये हमारे पास फीचर वन, देन हमने क्या किया है, इस कोड को हमने इसके साथ इस पोजिशन पे ये मास्टर ब्रांच के साथ मर्ज कर दिया है, सही है। सो अब इस पोजिशन पे क्या हुआ है, हमने फीचर वन को भी इस मास्टर कोड में एड कर दिया है। सो जो हमारे पास जो स्टेबल कोड है उसको ब्रेक होने से बचाने के लिए, बाय ब्रेक होने से बचाने का मतलब ये है कि उस कोड को उसमें कोई बग इंसर्ट करने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट एक ब्रांच क्रिएट करते हैं, सही है। सो जो मेन हमारे पास ट्रेडिशन है जो फॉलो आपको भी करना चाहिए वो ये है कि आपके पास जो मास्टर ब्रांच हो उसमें आप डायरेक्टली कमेंट्स ना करें। आप क्या करें, सपोज आपने एक फीचर बनाना है, चाहे वो बहुत ही छोटा फीचर हो चाहे वो बहुत ही बड़ा फीचर हो, सही है। सो आप क्या करें, आप उसके लिए एक अलग ब्रांच बनाएंगे, सही है, और उस ब्रांच में वो चेंजेस करके उस ब्रांच को टेस्ट करने के बजाय के बाद आप उस ब्रांच को फिर मास्टर ब्रांच में मर्ज करेंगे, सही है। सो दिस इज हाउ यू नीड टू डू इट। सो ब्रांचिंग का मेन मकसद आई होप सो कि आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई है, सही है। सो लेट्स सपोज हमारे पास ये मास्टर ब्रांच चलता आ रहा है। सो यहाँ पर फीचर ब्रांच एंड उसमें कमिट्स करके हमने उसको यहाँ पर मर्ज कर दिया है, सही है। फिर यहाँ पर लेट्स सपोज हमारे पास वही मास्टर ब्रांच चल रहा है, यहाँ पर हमने एक दूसरा ब्रांच उससे क्रिएट किया है फीचर टू का, और फीचर टू में हमने ये दो टू डिफरेंट कमिट्स किए हैं। एंड इस कमिट इन यहाँ पर हमारे पास जो कोड था उसको टेस्ट करने के बाद हमने इसमें दोबारा से मर्ज कर दिया है, सही है। लेट्स सपोज हम यहाँ पर फीचर टू में काम कर रहे हैं और यहाँ पर इसमें कोई मसला आ जाता है, सही है। सो वो मसला हमारे पास डायरेक्टली इस कोड में नहीं होगा जो हमारे पास मास्टर में है। सो मास्टर में हमारे पास स्टिल वो स्टेबल कोड मौजूद है, सही है। सो अगर कोई मसला आ भी जाता है, सो हमारे पास जो वर्किंग कोड ऑलरेडी मास्टर में मौजूद है उसमें मसला नहीं आएगा। हमारे पास ये अलग कॉपी मौजूद है डिफरेंट फीचर टू की, सो इसको हम डिबग करके ये जितने भी मसले थे यहाँ पर उनको रिजॉल्व करने के बाद टेस्ट करने के बाद हम इसको वापस यहाँ पर मर्ज कर सकते हैं, सही है। सो दिस इज हाउ, और ये हमारे पास जो है ना ब्रांचिंग का जो मेन मकसद है वो यही है। दूसरा जो मेन मकसद है ब्रांचिंग का वो कोलैबोरेशन एंड पैरेलल पीयर डेवलपमेंट का भी है। क्लियर, सपोज आपके आपके पास दो बंदे जो है ना टू डिफरेंट ब्रांचेस पे टू डिफरेंट फीचर्स पे काम कर रहे हैं, सही है। सो लेट सपोज अगर ये लेट सपोज डेवलपर वन जो है ना वो डायरेक्टली मास्टर ब्रांच पे काम कर रहा है और डेवलपर टू भी डायरेक्टली मास्टर ब्रांच पे काम कर रहा है, सही है। सो एक बंदा कमिट करेगा, दूसरा उसको पुल करेगा, मतलब उस जो कोड उसने कमिट किया है उसको अपने साथ फिच करेगा उस कोड को, एंड देन उसके बाद अपना कोड उसमें डालेगा। सो दिस इज अ वेरी हेक्टिक प्रोसेस। सो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लेट्स सपोज डेवलपर वन है, उसने मास्टर ब्रांच से अपने लिए एक अलग ब्रांच क्रिएट कर दी, लेट्स सपोज ये ब्रांच थी, सही है, वो इस ब्रांच में काम कर रहा है, सही है। एंड यहाँ से डेवलपर टू ने भी अपने लिए एक ब्रांच क्रिएट कर दी, सही है, और डेवलपर टू जो है वो अपने ब्रांच में काम कर रहा है जो फीचर उसको असाइन हुआ है। सो एट एनी पॉइंट, जबकि आपके पास जो डेवलपर वन था वो अपना फीचर कंप्लीट करके किसी भी टाइम में मास्टर में मर्ज कर सकता है, एंड सेम फॉर डेवलपर टू एज वेल, वो किसी भी पोजिशन पे अपना कोड यहाँ पर मास्टर में मर्ज कर सकता है। सो मतलब दोनों जो डेवलपर्स जो हैं उसको उनके साथ सेम कोड की डिफरेंट डिफरेंट कॉपीज मौजूद है। सो वो अपना कोड उसमें ऐड करके उसको टेस्ट करने के बाद वापस आके यहाँ पर मास्टर में मर्ज कर देगा, एंड सेम फॉर डेवलपर वन एज वेल। सो ये हमारे पास थोड़ा बहुत जो बैकग्राउंड नॉलेज है ब्रांचिंग की कंसेप्ट का वो आपसे मैंने शेयर किया है। अभी आता है कि ब्रांचिंग में हमारे पास प्रैक्टिस क्या फॉलो होती है और कौन सी प्रैक्टिस आपको फॉलो करनी चाहिए, सही है। सो हमारे पास जो ब्रांचेस होते हैं उसको हम मेन तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, बल्कि तीन डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं, सही है। एक हमारे पास होता है मास्टर ब्रांच। सो जो मास्टर ब्रांच होता है इसमें हमारे पास आपका जो स्टेबल कोड है ना, स्टेबल वर्किंग कोड आपके पास मास्टर ब्रांच में मौजूद होता है, सही है। तो ये मास्टर में जितना भी कोड होगा वो हमेशा स्टेबल कोड होता है, सही है। अब डेव ब्रांच जो है हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास मास्टर ब्रांच है, हमने डेवलपमेंट स्टार्ट करनी है, सही है। सो हम क्या करते हैं, मास्टर ब्रांच से हम एक और ब्रांच बना लेते हैं जिसको हम डेव का नाम देते हैं, सही है। सो डेव में हम क्या करते हैं, डेव में हमारे पास जो कोड होता है वो अंडर डेवलपमेंट होता है, सही है।
लेट सपोज आप कुछ फीचर्स पे दो तीन बंदे काम कर रहे हैं, लेट सपोज वर्जन वन था, तो वर्जन वन हमने यहाँ पर बना के मास्टर में मर्ज कर दिया था, सही है। अब हम वर्जन टू पे काम स्टार्ट कर रहे हैं, सो हम क्या करते हैं, हम मास्टर से एक और ब्रांच बना देंगे डेफ के नाम से, सही है, और डेफ से फिर हम अलग नीचे और ब्रांचेस बना सकते हैं। सो डेफ में क्या होता है, डेफ में हमारे पास जो अंडर कंस्ट्रक्शन और अंडर डेवलपमेंट कोड हमारे पास डेफ में होता है, सही है। ये कोड जरूरी नहीं कि आपके पास स्टेबल हो, बट ये मास्टर का जो कोड है ये आपके पास हमेशा स्टेबल होना जरूरी है, ये कोड आपके पास स्टेबल होना चाहिए, सही है। मतलब किसी भी टाइम आप इसको कोड को आप डिप्लॉय कर सकते हैं, सही है। फिर हमारे पास डेफ ब्रांच है तो वो अंडर डेवलपमेंट होता है, जिन फीचर्स पे हम काम कर रहे होते हैं, सो वो हम डेफ ब्रांच में एड करते हैं, सही है। तो सो जब हम हमारे पास जो डेफ ब्रांच है, सपोज वर्जन वन मास्टर में था, वर्जन टू डेफ में था, तो वर्जन टू पे काम हो रहा था, तो जब हमने वर्जन टू को टेस्ट करके फाइनलाइज करने के बाद उसको हम क्या करेंगे, उसको हम वापस मास्टर में मर्ज कर देंगे, सही। एंड इसके बाद हमारे पास जो थर्ड है वो हमारे पास फीचर ब्रांचेस हैं या हमारे पास इशू ब्रांचेस होते हैं, सही है। सो फीचर या इशूज ब्रांचेस में क्या होता है, हमारे पास लेट सपोज डेव ब्रांच होता है तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन अंडर डेवलपमेंट होता है, सो हम क्या करते हैं, सपोज हमने एक फीचर लेट सपोज डेवलपर वन को असाइन हुआ है, सो वो क्या करता है, मास्टर डेव ब्रांच से अपने लिए एक नया ब्रांच क्रिएट कर देता है लेट सपोज फीचर वन के नाम से, एंड वो उस पर काम कर रहा होता है, सपोज फीचर वन को कंप्लीट करता है तो वापस उसको डेव में मर्ज कर देता है, सही है। इस तरह मल्टीपल डेवलपर्स अपने अपने ब्रांचेस में काम कर रहे होते हैं, जो सारे अपने फीचर्स को फाइनलाइज करने के बाद जब डेव में मर्ज करते हैं, एंड देन हम क्या करते हैं, डेफ को टेस्ट करते हैं, जब वो हम उसको फाइनलाइज कर देते हैं, डिबग कर देते हैं, देन डेफ का जो कोड होता है उसको हम फिर वापस जाके मास्टर में मर्ज कर देते हैं, सही है। सो दिस इज हाउ जो मेन जो जो मेन प्रैक्टिस फॉलो होती है गिट के लिए और वर्जन कंट्रोल सिस्टम में BCS में, सो वो भी आपके सामने मैंने रख दिया है। सो दिस इज जस्ट अ बैकग्राउंड नॉलेज और ये कुछ थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्ट हैं वो थे। अब हम आते हैं एक्चुअल डेवलपमेंट की तरफ और एक्चुअल एक्चुअल अभी हम काम स्टार्ट करते हैं, सही। सो ब्रांचेस का कंसेप्ट डिस्कस हो गए हैं सारे। अभी लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा काम किया था, कुछ कमेंट्स वगैरह हमने किए थे, जो बेसिक हमने गेट रिपोजिटरी क्रिएट की थी, सो हम मैं उसी गेट रिपोजिटरी को यहाँ से भी कंटिन्यू करूंगा। सो जिन लोगों ने जो लोग ये सेशन डायरेक्टली ज्वाइन कर रहे हैं और उनको अगर समझ नहीं आ रही कुछ चीज़ों की, सो दे कैन जस्ट गो बैक टू द प्रीवियस सेशंस और उनको देखने के बाद हम दोबारा इस सेशन पे आके सो सारी चीज़ें उनके लिए भी क्लियर हो जाएगी, सही है। सो लास्ट टाइम हमने ये एक ब्रांच सॉरी ये हमने गिट रिपोजिटरी क्रिएट की थी गिट प्रैक्टिस के नाम की, गिट प्रैक्टिस के फोल्डर में, सही है। अगर आप लोगों ने देखना है तो इसमें हमारे पास ये गिट रिपोजिटरी ऑलरेडी मौजूद भी है, ये देखें डॉट गिट के नाम से, सही है। सो यहाँ पर हमने ये गेट रिपोजिटरी क्रिएट की थी जो कि हिडन होती है और इसको क्रिएट कैसे करते हैं, एंड देन ये सारा जितना भी प्रोसेस था हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं, सो वी आर नॉट गोइंग बैक टू डिस्कस इट अगेन, सही है। अब हम आते हैं कुछ कमांड्स की तरफ, सही। क्या हम कमांड्स हमारे पास क्या है, ब्रांचेज एंड मर्ज के लिए हमारे पास ब्रांच जो कमांड्स हैं वो क्या क्या है, सही है। सो फर्स्ट कमांड जो हमारे पास है वो गेट ब्रांच का है, सही है। सो लेट्स सपोज अगर आप लिखते हैं गेट ब्रांच, सो ये आपको क्या करता है, ये आपके पास जितने भी ब्रांचेस होते हैं वो आपको लिस्ट करके देता है, सही है। अब ये देख लें हमारे पास राइट नाउ कौन सा ब्रांच मौजूद है, जस्ट हमारे पास मास्टर ब्रांच है, सही है, मास्टर ब्रांच है। और हम राइट नाउ किस ब्रांच में मौजूद हैं, जो कि आपके पास ग्रीन होता है, सही है। सो राइट नाउ मैं अभी इस हाईलाइटेड ब्रांच में मास्टर ब्रांच में राइट नाउ मैं मौजूद हूँ, सही है। सो लेट्स क्रिएट अ सिनेरियो, सिनेरियो हम ये क्रिएट करते हैं कि लेट्स सपोज मैं सारे फीचर्स को रिमूव कर देता हूँ फॉर नाउ, एंड मैं इसको अगर सेव करता हूँ कंट्रोल एस गेट स्टेटस, सो ये मुझे बताएगा कि आपने भाई आपने कुछ डिलीट कर दिया है, सही है। सो मैं क्या करता हूँ गेट एट गेट कॉमेट, इसको मैं कर देता हूँ ऑल फीचर्स रिमूव्ड, सही है। सो ये मैंने कॉमेट कर दिया है। अब हमारे पास सपोज हम देखते हैं कि हमारे पास ब्रांच क्या है, हम सिनेरी ये क्रिएट करते हैं कि ये हमारे पास लेट सपोज वर्जन वन का कोड यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, लेट सपोज दिस इज वर्जन नंबर वन, वर्जन वन इज डन, सही है। सो गिट एट गिट कॉमिट डैश एम वर्जन वन इज डन, सही है। सो जिस तरह मैंने अर्लियर डिस्कस किया था कि हमारे पास मास्टर पे कौन सा कोड होना चाहिए, आपका स्टेबल कोड होना चाहिए, सही है। लेट्स सपोज हमने अभी क्या किया है, लेट्स सपोज हम किस ब्रांच पे हैं, गेट ब्रांच,
अभी हम मास्टर ब्रांच पे है, सही है, और हम ये कंसिडर करते हैं कि लेट्स सपोज हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसमें हम हमारे पास वर्जन 1 ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, सही है, और अभी हम वर्जन 2 पे काम स्टार्ट करेंगे, सही। सो हमारे पास स्टेबल कोड कहाँ पर मौजूद होगा? हमारे पास जो स्टेबल कोड है वो मास्टर ब्रांच में मौजूद होता है, सही है। अब हम क्या करते हैं, हमने इस वर्जन 1 के बाद हमने वर्जन 2 डेवलप करना है, सही है। सो हम क्या करते हैं, मैं यहां पर आता हूं, यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या क्रिएट करूंगा, एक नया ब्रांच क्रिएट करूंगा, सही है। सो नया ब्रांच क्रिएट करने के लिए आपके पास जो कमांड है गिट ब्रांच, और आगे आप ब्रांच का नाम दे दें, सही है। सो मैं मास्टर ब्रांच से एक नया ब्रांच क्रिएट करता हूँ डेफ के नाम से, सही है, जिसको मैं डेवलपमेंट के लिए यूज करूंगा। सो यहाँ पर एक नया ब्रांच हमारे पास क्रिएट हो गया है, सही है। अगर आप दोबारा गिट ब्रांच का कमांड दे दें तो आपके पास अभी देखें, यहाँ पर हमारे पास अभी दो ब्रांचेस हैं, एक हमारे पास डेव है, एक हमारे पास मास्टर ब्रांच मौजूद है, सही है। सो राइट नाउ मैं किस ब्रांच में मौजूद हूँ, जो कि आपके पास हाईलाइटेड है, जो कि हमारे पास हाईलाइटेड राइट नाउ मास्टर ब्रांच है, सही है। मैं क्या करता हूँ, मैं चेकआउट होता हूँ यहाँ से मास्टर ब्रांच से, लेट सपोज अगर आपने शिफ्ट होना है एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे, सही है। सो मैं मास्टर से शिफ्ट होता हूँ डेव ब्रांच पे। अब ये मास्टर हमारे पास एक डिफरेंट कॉपी मौजूद है हमारे कोड की, और डेव ब्रांच हमारे पास एक डिफरेंट कॉपी है, एक डिफरेंट स्नैपशॉट है हमारे कोड की, सही है। सो मैं मूव होता हूँ डेव ब्रांच पे, तो उसके लिए हमारे पास कमांड मौजूद जो यूज होता है गिट चेकआउट और ब्रांच का नाम गिट चेकआउट डेव। सो ये देखें क्या बता रहा है कि स्विच टू डेव ब्रांच, सही है। अब दोबारा मैं चेक करता हूँ गिट ब्रांच, तभी आप लोग देख लें राइट नाउ मैं किस ब्रांच पे हूँ, डेव ब्रांच पे मैं मौजूद हूँ, सही है। हम डेफ ब्रांच पे आ गए हैं, और अभी हम लेट सपोज हमने फीचर्स बनाने हैं, लेट सपोज फीचर 1, 2, 3, सही, 2-3 फीचर हमने बनाने हैं वर्जन 2 में, सही है। सो मैं क्या करूंगा, मैं डेफ से एक नया ब्रांच क्रिएट करूंगा, सही है। लेट सपोज जब भी आपने किसी नए फीचर्स पे काम करना है, सही है, एक नया फीचर बनाना है, तो उसके लिए आपने हमेशा जो डेफ में कोड है उससे आपने एक नया ब्रांच अपने लिए बनाना है, सही है, ताकि आपका जो आप जो चेंजेस कर रहे हैं वो एक सेपरेट डिफरेंट कॉपी उसके पास आपके उसकी आपके पास मौजूद हो, और आपके पास डेफ में जो कोड मौजूद है उसको आप जो है ना वो डिस्टर्ब ना करें, सही है। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक नया ब्रांच क्रिएट करेंगे फीचर 1 के नाम से, सही है। सो गेट, अच्छा गेट ब्रांच, और यहाँ पर आप फीचर 1, एक तरीका ये भी है कि आप इस तरह एक नया ब्रांच क्रिएट करें, सही है, ये कमांड, इस कमांड से आप एक नया ब्रांच क्रिएट, लेट्स सपोज फीचर 1 के नाम से एक नया ब्रांच क्रिएट कर रहे हैं, सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट, सही है। एक और तरीका ये है कि आप डायरेक्टली नया ब्रांच भी क्रिएट कर दें, उसमें चेकआउट भी हो जाए, मतलब उस पर शिफ्ट भी हो जाए, सही है। सो वो कमांड है गिट चेकआउट डैश बी और लेट्स सपोज फीचर 1, सही है। सो ये क्या करेगा, ये एक नया ब्रांच भी क्रिएट कर देगा और उस पर शिफ्ट भी हो जाएगा, सही है। अब ये क्या बता रहा है कि स्विच टू अ न्यू ब्रांच फीचर 1, सही है। सो मैं दोबारा क्या करता हूँ, दोबारा गेट ब्रांच का कमांड रन करता हूँ, सही है। सो अभी हमारे पास 3 ब्रांचेस हैं, एक हमारे पास फीचर 1 का है, एक डेव है, एक हमारे पास मास्टर है। अब हम फीचर 1 पे काम करेंगे, सही है, जब फीचर 1 रेडी हो जाएगा तो इसको हम मर्ज करेंगे डेव में, सही है। सो राइट नाउ वी आर इन फीचर 1, सही है। सो यहां पर मैं क्या करता हूँ, यहां पर लेट सपोज मैं वर्जन 2, सही है, और यहां पर मैं लिखता हूँ फीचर 1 डन। अच्छा ये हमारे पास जैसे एक टेक्स्ट फाइल है, इसमें मैं जस्ट सिमुलेट कर रहा हूँ चीजों को, लेट्स सपोज आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और ये आपका प्रोजेक्ट मतलब हो गया है, मतलब फीचर 1 आपने बना लिया है उसमें, सही है। इसको मैं सेव करता हूँ गिट स्टेटस, तो ये मुझे बता रहा है कि भाई आपने कुछ चेंजेस किए हैं फाइल में। सो हम क्या करते हैं, गिट 8 गिट कमिट डैश एम, गिट 8 गिट कमिट डैश एम, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ फीचर 1 ऑफ v2 डन, सही है। जब आपका जो कमेंट मैसेज होगा वो मीनिंगफुल होना चाहिए ताकि बाद में आप इसको ट्रैक कर सकें, सही है। अब मैंने क्या किया है, राइट नाउ गिट गिट ब्रांच, तो राइट नाउ मैं किस ब्रांच पे हूँ, फीचर 1 पे, सही है। सो फीचर 1 में मैंने ये फीचर 1 का कोड ऐड कर दिया है, सही है। आपको मैंने बताया था ना कि आपके पास ये आपके कोड की अलग अलग कॉपीज मौजूद है, सही है। मैं दोबारा यहाँ पर आता हूँ, और ये मेरे पास वो फोल्डर है जिसमें मेरे पास ये टेक्स्ट फाइल मौजूद है, सही है। इसको मैं क्लोज करता हूँ राइट नाउ यहाँ से, सही है।
इसको मैं क्लोज करता हूँ, इसको मैं ऑलरेडी सेव कर चुका हूँ ना। तो राइट नाउ मैं किस ब्रांच पे हूँ, फीचर वन पे। सो फीचर वन पे मैंने क्या किया था, ये मैंने ये कोड एड कर दिया था, सही है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ से वापस, ये जस्ट मैंने फीचर वन में ऐड किया है, फीचर डेफ में ये फीचर नहीं था, सही है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, गेट चेकआउट डेफ, मैं डेफ पे चेकआउट हो गया तो हूँ ना, एंड राइट नाउ जब मैं इसको ओपन करूंगा तो इसमें ये फीचर वन का कोड मौजूद नहीं है, सही है। आप देख लें आपके पास, मैंने जो वर्जन टू का फीचर वन इसमें डाला था वो कोड यहाँ पर मौजूद नहीं है, क्योंकि अब ये जो है डेफ ब्रांच जो है, सही है, उसमें मैंने वो कोड एड ही नहीं किया, सही है। सो अब आपको यहां से अंदाजा हो जाता है कि अगर हम नया ब्रांच क्रिएट करते हैं तो आपके पास वो आपके कोड की डिफरेंट कॉपी होती है। लेट्स सपोज अब मैं दोबारा अगर आप अभी देख लेना मैं किस ब्रांच पे हूँ, ये मैं डेफ ब्रांच पे हूँ राइट नाउ, सही है। सो अभी मैं दोबारा से वापस चेकआउट होता हूँ फीचर वन पे, गेट चेकआउट फीचर डैश वन, तो मैं दोबारा फीचर वन पे आ गया हूँ। अब मैं दोबारा इस फाइल को ओपन करूंगा ना, तो ये देखें इसमें ये फीचर वन का कोड मौजूद है, सही है। सो यहां से आपको अंदाजा हो जाता है कि आप एक नया ब्रांच जब क्रिएट करेंगे ना, सो उसमें आपके पास कोड की एक अलग कॉपी होती है, सही है। अब जो ये तीन ब्रांचेस हैं, डेफ फीचर वन एंड मास्टर, सही है, ये मेरे पास मेरे कोड की तीन डिफरेंट कॉपीज हैं, सही है। फीचर वन का आपको आप का तो आप मैंने आप मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि यहाँ पर आपको अंदाजा हो रहा है कि ये हमारे पास एक डिफरेंट कॉपी है, सही है। सो नाउ अब आते हैं कि हमने फीचर वन, लेट सपोज वर्जन टू का फीचर वन था उस पे हम काम कर रहे थे, उसको हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, इस कोड को हम क्या करते हैं, मर्ज करते हैं डेफ के साथ, मतलब इसमें जो हमने काम किया था ये हम सिंक्रोनाइज करते हैं किसके साथ, डेफ के साथ, सही है। सो उसको हम कैसे करेंगे, गेट चेकआउट, अब डेफ को चेकआउट हो जाए, सॉरी गेट चेकआउट डेफ, हम डेफ में आ गए ना, दोबारा देख रहे हैं हम किस ब्रांच पे हैं, हम डेव ब्रांच पे हैं, सही है। और मैंने करना क्या है, फीचर वन का जो ब्रांच था मैंने इसके साथ मर्ज करना है। सो मर्ज का मतलब क्या होता है कि हमने ये कोड इसमें हमने जो कोड ऐड किया था उसको मैं ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज करता हूँ डेव के साथ, सही है। सो किस तरह करेंगे, गेट मर्ज, मैं जिस ब्रांच पे हूँ, मैं डेव ब्रांच पे हूँ ना, डेव मैंने फीचर वन ऐड करना है ना, फीचर वन मर्ज करना है। सो आप लिख लें फीचर वन, ये देख लें क्या कर रहा है, फास्ट फॉरवर्ड इसने जो है ना क्या कर दिया है, हमारा जो फीचर वन का फीचर वन ब्रांच होता इसने मर्ज कर दिया है डेफ में, सही है। अब मैं दोबारा से गेट ब्रांच, हम देखते हैं अभी किस ब्रांच पे है ना, अब मैं डेफ ब्रांच पे हूं ना, सो फीचर वन में मैंने क्या क्या ऐड किया था, वो फीचर वन ऐड किया था उसको मैंने अभी डेफ के साथ मर्ज कर दिया है। अब मैं दोबारा ये फाइल ओपन करूंगा, सो अब देख लें इसमें हमारे पास डेफ में भी वो कोड आ गया है। तो डेव में ये कोड क्यों आया है, क्योंकि मैंने फीचर वन को मर्ज कर दिया है डेव के साथ, सही है। अब दोबारा कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि हमने डेव से एक नया ब्रांच क्रिएट करना है, सही है, फीचर के नाम से, और दोबारा से जब फीचर कंप्लीट हो जाए उसको हमने वापस डेव में जाके मर्ज कर देना है, सही है। सो फीचर वन हो गया है, अब हमने जैसे उस फीचर टू बनाना है, सही है। सो मैं क्या करूंगा, मैं डेव से एक और ब्रांच क्रिएट करूंगा, सही है, गेट चेकआउट डैश बी, सो ये आपका एक नया ब्रांच बन जाएगा, सही है, फीचर टू। सो अब राइट नाउ फीचर डेफ में जो कोड है वो फीचर टू में भी आएगा, मतलब डेफ का जो कोड है उसकी एक कॉपी आपके पास बन जाएगी फीचर टू के नाम से। मैं चेकआउट हो गया हूँ फीचर टू पे, सही है, सो फीचर टू में मेरे पास वो फीचर वन का कोड जो कि मैंने डेफ में मर्ज किया था वो आ गया था, सही है। सो राइट नाउ अब करना क्या है, लेट्स सपोज अब मैंने फीचर टू पे काम स्टार्ट करना है, सही है। सो लेट सपोज मेरे पास फीचर टू है ना, फीचर टू पे मैं काम कर रहा था, फीचर टू डन कर दिया है मैंने, सही है, फीचर टू कंप्लीट हो गया है, मैं इसको सेव करता हूँ, सही है, इस फाइल को। अब हम यहाँ पे आके देखते हैं गेट स्टेटस, तो ये कह रहा है कि भाई आपने वो फाइल मॉडिफाई किया है, सही है। सो गेट एट गेट कॉमेट डैश एम फीचर टू डन, सही है, ओके, फीचर टू डन, सही। सो फीचर टू हमारे पास कंप्लीट हो गया है। सो अब राइट नाउ अब यहां पर कोड देख लें, सही है, फीचर टू यहां पर कोड मेरे पास क्या है कि फीचर टू भी डन हुआ है एंड फीचर वन भी डन हुआ है, सही है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कितने ब्रांचेस हैं, गेट ब्रांच, हमारे पास फीचर वन ब्रांच भी है, फीचर टू भी है, सही है।
अब फीचर टू को मैंने डेफ के साथ राइट नाउ मर्ज नहीं किया, सही है। सो मैं इस फाइल को क्लोज करता हूँ, यहाँ से मैं चेकआउट होता हूँ, गेट चेकआउट डैश गेट चेकआउट डेफ, मैं डेफ में आ गया हूँ, सही है। सो यहाँ पर देख लें, यहाँ पर राइट नाउ फीचर टू नहीं आ रहा क्योंकि मैंने उस कोड के साथ मर्ज नहीं किया, सही है। सो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास फीचर वन अलग कॉपी है, डेफ अलग कॉपी है, फीचर टू अलग है, मास्टर अलग कॉपी है, सही है। अब मैं क्या करता हूँ, लेट्स सपोज अब डेफ में मेरे पास क्या कौन सा कोड मौजूद है, ये वाला कोड मौजूद है, सही है। अब मैं जब वापस मास्टर में जाता हूँ, गेट चेकआउट मास्टर, सही है। अब मैं मास्टर में शिफ्ट हो गया हूँ ना, सो मास्टर में मेरे पास वो डेफ का कोड भी नहीं आ रहा, उसमें जस्ट स्टिल वही मास्टर का कोड है जो वर्जन वन था, सही है। सो यहां से आपको अंदाजा होता है कि हमारे पास मास्टर का ब्रांच अलग है, अलग कॉपी है, फीचर वन की कॉपी अलग है, फीचर टू की कॉपी अलग है, एंड डेफ की कॉपी हमारे पास अलग से मौजूद है, सही है। सो हम काम कर रहे थे फीचर टू पे और फीचर टू हमारे पास कंप्लीट हो चुका था। सो मैं वापस चेकआउट करता हूँ, चेकआउट डेफ पे चेकआउट होता हूँ, डेफ में शिफ्ट होता हूँ, डेफ ब्रांच पे, गेट चेकआउट डेफ, मैं डेफ पे चला गया हूँ वापस। अब डेफ में मेरे पास अगर आप लोग देख लें, जो फीचर वन मैंने कंप्लीट किया था उसका कोड नहीं है। सो मैं चाहता हूँ कि जो फीचर टू का कोड था उसको भी मैं मर्ज कर दूँ डेफ के साथ, सही है। सो गेट चेकआउट सॉरी गेट मर्ज एंड फीचर टू। सो अभी आप लोग देख लें हमारे पास जो अभी अब इसको दोबारा से ओपन करेंगे ना, अब ये देख लें इसमें, हालांकि हम राइट नाउ डेफ ब्रांच पे हैं बट उसमें वो फीचर टू का कोड भी आ गया है, सही है। लेट्स सपोज यहां पर इस पॉइंट पे कोई मसला आ रहा है या कोई और इशू आ रहा है, सही है। सो अब ये राइट नाउ मेरे पास कितने ब्रांचेस हैं, गेट डेफ ब्रांच है, फीचर वन ब्रांच है एंड फीचर टू ब्रांच है, सही है। सो उनमें मैंने कोड करके कंप्लीट करके उसको मैंने वापस डेफ मर्ज कर दिया है, सही है। अब इन दोनों ब्रांचेस की जरूरत भी नहीं है, बट एनी हाउ आपको जस्ट दिखाने के लिए राइट नाउ अगर देख लें हमारे पास क्या है, फीचर फीचर टू डन है ना, फीचर टू भी हो चुका है। अगर मैं वापस चेकआउट होता हूँ, गेट चेकआउट डैश बी सॉरी गेट चेकआउट फीचर वन, सही है। सो फीचर वन ब्रांच पे जब हम आए हैं, अब देख लें इसमें फीचर टू का कोड नहीं है, सही है, क्योंकि हमने उसमें एड ही नहीं किया कोड, सही। सो इसमें स्टिल वही फीचर वन की कॉपी मौजूद है, सही है। अब फीचर टू में हमारे पास स्टिल वही फीचर टू की कॉपी मौजूद है, सही है। और अगर मैं दोबारा से मास्टर पे चेकआउट होता हूं, सो मास्टर में मेरे पास जस्ट वो मास्टर का कोड मौजूद है जो इनिशियली मास्टर में था, सही है। अगर दोबारा से देख लें, अब मास्टर में हमारे पास जस्ट वो वर्जन वन का कोड है, वर्जन टू का कोड इसमें नहीं है, सही है। सो दिस इज हाउ दीज ब्रांचिंग कंसेप्ट्स वर्क एंड आई होप सो दीज थिंग्स आर क्लियर। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, लेट सपोज हमने वापस मैं डेफ में चेकआउट होता हूँ, गेट चेकआउट डेफ, सो डेफ मेरे पास वर्जन टू में हम काम कर रहे थे, उसमें फीचर वन किया था, फिर सेकंड फीचर टू कर दिया था। सो लेट्स सपोज दीज टू फीचर्स वर जस्ट पार्ट ऑफ हमारे पास किया था, वर्जन टू का काम लेट्स सपोज राइट नाउ कंप्लीट हो गया है, सही है। अब मैं चाहता हूँ कि ये अब इस कोड को हम टेस्ट करने के बाद, इस कोड को ये जितना भी कोड है इसको टेस्ट करने के बाद, वर्जन टू का जो कोड है उसको टेस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, अभी हम मर्ज करेंगे मास्टर ब्रांच के साथ, क्योंकि मास्टर ब्रांच में हमारे पास स्टेबल कोड मौजूद होना चाहिए जहां जिसको आप डायरेक्टली डिप्लॉय कर सके किसी भी टाइम पे, सही है। सो राइट नाउ मैं क्या करूंगा, अब मैंने करना है, लेट्स सपोज हमारा वर्जन टू भी कंप्लीट हो गया है, हमने उसको प्रॉपरली टेस्ट भी कर दिया है, अब उसमें कोई मसला नहीं है, डिबग हो गया, डिबगिंग सारी हो गई है, इश्यूज सारे रिजॉल्व हो गए हैं, सही है। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर गेट ब्रांच हम चेक करते हैं किस ब्रांच पे है, मैं डेफ ब्रांच पे हूँ, डेफ को मैंने मास्टर में जाके मर्ज करना है, मतलब मास्टर के साथ कंबाइन करना है, सही है। सो मैं चेकआउट हो जाऊंगा मास्टर पे, गेट चेकआउट मास्टर, अब मेरे फिर मैंने मर्ज करना है मास्टर के साथ कौन सा ब्रांच, डेफ का ब्रांच, सही है। सो जब मैंने ये मर्ज कर दिया है, सही है, सो फीचर टू जो मैंने मर्ज किया था, फीचर वन फीचर टू मैंने डेफ में मर्ज किया था ना, और डेफ को मैंने इसमें मर्ज कर दिया है, सही है। सो ये सारे जितने भी कोड था ये अभी हमारे पास कहाँ पे आ गया है, मास्टर में आ गया है, सही है। सो राइट नाउ मैं किस ब्रांच पे हूँ, देखने के लिए टेस्ट करने के लिए मैं मास्टर ब्रांच पे हूँ ना, और जब मैं फाइल को ओपन करता हूँ इसमें हमारे पास वर्जन फीचर वन टू भी आ रहा है, वर्जन टू का एंड फीचर वन एंड टू दोनों आ रहे हैं इसमें, सही है, जो कि हमने किए थे डेफ ब्रांच में।
So this is how these branching concepts work. So दोबारा थोड़ा सा review करने के लिए, summary के लिए, हमारे पास just master branch था. Master branch में हमने हमारे पास just stable code होना चाहिए जो कि directly आप deploy कर सकें. सही, अगर आपने development करनी है, next feature बनाना है या next version बनाना है, so आप क्या करें, आप जो है ना, आप master branch को checkout करते हैं dev पे, एंड डेफ के अंदर आप फिर फीचर्स बना के, फीचर 1, 2, 3 बना के अलग अलग ब्रांचेस, और वो कंप्लीट करने के बाद दोबारा से डेफ में मर्ज करें. एंड डेफ में मर्ज करने के बाद हम डेफ ब्रांच को प्रॉपरली टेस्ट करते हैं कि सारे फीचर प्रॉपरली काम कर रहे हैं. सही है. सो देन आफ्टर दैट वी देन मर्ज दैट कोड विद द मास्टर. सही है. सो दिस इज हाउ दीज ब्रांचिंग कॉन्सेप्ट्स वर्क. आई होप सो दीज थिंग्स आर क्लियर. And अगर ये चीजें क्लियर हैं, सो देन वी आर डन विद दिस सेशन नंबर 4. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, योर क्वेश्चंस आर मोस्ट वेलकम. कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज देयर फॉर यू, एंड आई विल बी ऑलवेज देयर टू रिस्पोंड योर क्वेश्चंस. सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर सेशन नंबर 4. सो सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.